गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक और नए वीडियो की शुरुआत हो रही है। सुबह के कितना बज रहा है मुझे ना इस घड़ी में कम अंता जाता है। तो यार 4:30 हो रहे थे, 4 बजे उठ गई थी 3:56 में। तो आज मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे है। एक चीज़ का ना गिल्ट फील हो रहा है, मतलब मैं हमेशा उनको 12 बजे विश करती हूँ, इस बार नहीं उठ पाई और 4 बज गए। आधा घंटे से बैठी हूँ यार, मैं क्यों नहीं उठूँगी, पर होता ही है। अभी तो मेरे पास बच्चा भी है और बच्चों के साथ नहीं हो पाता है 12 बजे उठना और विश करना। कोई बात नहीं, पूरा दिन है अभी तो बर्थडे विश करने के लिए। काफ़ी सारे लोग करते हैं बट यार मैं भी करती हूँ, बट इस बार नहीं हो पाया। मैं नींद ही नहीं खुली मेरी, तो मैडम भी सोई रखी है, एक बार उठ गई थी और इसको और फिर से सुला दिया है। तो पतिदेव जी, आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ, वरना आपको राधा रानी खूब सारी तरक्की दे, मतलब खूब तरक्की दे और आप ऐसे आगे बढ़ते रहो। एक दिन ना बहुत बड़े आदमी बनेंगे हम लोग। मेरा तो यही रहता है हमेशा। तो यार याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है उनकी। ऐसा होता है ना कि इतना सोचा था हमेशा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। मैंने अभी तक जब से हम दोनों साथ में हैं एक बर्थडे सेलिब्रेट किया है इनका, पिछले साल बस। और मतलब साथ में ऐसे तो किया ही है, इस बार भी मैं सोच रही थी वहीं रहूँगी लेकिन मुझे घर आना पड़ा किसी कारणवश। तो इस बार भी मैं यहीं पे सेलिब्रेट करूँगी उनका बर्थडे, क्योंकि उनका तो फ़ोन नहीं लग रहा ना, मैंने उनको अभी तक विश कर पाया है, मतलब मैसेज कर दिया है, कॉल तो लग नहीं रहा। तो अभी दिन के टाइम पे आएंगे शायद वो, तब जाके विश। आप लोगों से सीधे मुलाकात हो रही है 9:30 बजे, क्योंकि ना मैं झाड़ू पोछा सब करने के बाद, नहाना धोना करने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा रुक जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। और अनायना बहुत ज़्यादा तंग कर रही है क्योंकि उसके सोने का टाइम हो रहा है, और मैं मार्केट की तरफ को जा रही हूँ क्योंकि आज पतिदेव का जन्मदिन है, कुछ सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो उनसे अभी भी बात नहीं हो पाई है, उनने मैंने बर्थडे विश किया था ना, बर्थडे करके हैप्पी बर्थडे करके मैसेज किया था, अभी थैंक यू का मैसेज भी नहीं आया है, तो बिजी हो रखे हैं वो। ये ना थोड़ा सा हॉस्पिटल की तरफ भी काम है तो जाके आती हूँ। चलो चलो, अन्नू को नहीं लेके जा रही हूँ, मैं अकेले ही जा रही हूँ। चलो हॉस्पिटल आना तो ना बहुत ज़्यादा वो हो गया है, मतलब यहाँ पे आके डॉक्टर सारे छुट्टी पे गए और इतना मिसबिहेव यहाँ के डॉक्टर, मतलब बोल रहे हैं, मैंने पूछा ना ऐसे ही कि डॉक्टर यहाँ पे हो रहे हैं नहीं, कहते मैं तुमको पूछताछ केंद्र दिखता हूँ। मैंने कहा यार बता दो क्या है इसमें, बताने में क्या है ना। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोहाघाट का हॉस्पिटल तो बहुत ही बेकार, दूसरी जगह जाते हैं। ना मार्केट का थोड़ा जितना भी काम था वो सब कर लिया है, अब फाइनली मैंने फल फ्रूट भी ले लिया है, अब निकलते हैं घर को, मेरा काम तो हुआ नहीं, अब फ्राइडे को आऊँगी। बस हो गया मेरा, बता दो कितना हुआ। पतिदेव का जन्मदिन है, केक लेना चाह रही थी लेकिन ना केक खाने वाला घर पर कोई भी नहीं है, ना इसकी आमा खाती है मतलब सास माँ, बस मैं खाती हूँ, मेरा भी मन नहीं है खाने का, तो मैंने पेस्ट्री वगैरह ले ली है। ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, पूड़ियाँ वगैरह बनाएंगे, तो फिलहाल घर को चलते हैं। यहाँ का काम जिस काम से आई थी वो काम तो हुआ नहीं, तो चलो ये देखो बहुत जल्दी सारा हो गया। चलो जब सास माँ को पता चलेगा ना कि इसका काम ही हुआ है और दिन का हर्जा हो गया है, उठी जाएंगी भयंकर वाला। पर कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो गाड़ी ढूंढने का बवाल है। चलो यार, तो मार्केट से घर आने के बाद खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट कर लिया है और अभी ना सो के उठ गए हैं, मतलब आज उतना पहले था, 11 बजे घर पहुंच गई थी, मार्केट में तो कोई काम हुआ नहीं, और अभी सो के उठ के 3 बज गए और इतनी तेज़ धूप हो रही है बाहर। सोच रही हूँ मम्मी लोग से बात करी थी कि मम्मी लोग कैसे काट रहे होंगे ना घास, और सोच के मैंने भयंकर ही मौसम हो रहा है, बहुत तेज़ धूप हो रखी है। आधे दिन तक तो मम्मी घर पर ही थी, अन्नू का देख रही थी, अन्नू को देख रही थी, उसके बाद 1 बजे को गई यहाँ से। तो अभी बर्तन पोछा नहीं कर रखा है क्योंकि ना उसके बाद खाना खाने के बाद तुरंत अन्नू परेशान करने लग पड़ती है, फिर इसको सुलाया, थोड़ी देर 3 बज गया, अब जल्दी से बर्तन पोछा करती हूँ और बाकी काम करती हूँ। तो मैं ना केक भी लेके आई हूँ, पेस्ट्री लेके आई हूँ, पेस्ट्री खाते हैं अभी। अब खोलो, वाओ केक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। पापा का बर्थडे है ना, कैंडल थोड़ी लगी है, हैं पापा मम्मी को खिलाओ। पापा कहाँ है, कहती पापा एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है,
ऐसा कहती है। थैंक यू। फोन आया पापा का, जल्दी बोलो। हेलो। हाँ, हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे टूटू। पापा जल्दी आना बोल। पापा जल्दी आओ। हाँ वेरी गुड। दोस्तों आज मैं टेस्टी से लाल अमरूद लेके आई हूँ, और जो मैं हरे धनिया का नमक पीस के आई ना, वहाँ पे जल्दी ख़त्म हो जा रहा था, यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो इसी के साथ खा लिए। वाओ देखो, खा पाओगी इतना बड़ा? खाली ले लेती है, खाएगी नहीं, फेंकेगी पता है। अच्छा और हाँ। पूरा खा लोगे? ठीक है फिर। मैं तो तुम्हें भी लाऊं। तो शाम के टाइम पे पार्टी करने तो गए थे, लेकिन ना हमको पानी पूरी मिल नहीं पाई थी, बस चार चार ही पानी पूरी मिल पाई थी, जिससे पेट तो भरा ही नहीं। वैसे आए और उन लोगों ने बोला कि मोमोज वगैरह हमें नहीं खाने हैं, तो मैंने मोमोज नहीं खिलाए और ना मैंने खाए। बाकी अभी कुछ भी नहीं लाई हूँ, कुछ भी नहीं, सॉरी सॉरी यार पतिदेव जी, तो पतिदेव जी को सॉरी बोलना चाहती हूँ। पता है मैं केक लाने वाली थी सुबह, मैंने इनसे पूछा था कि केक लाऊं, इनने बोला केक किस लिए लाना है, कौन खाएगा, मैंने कहा मैं खाऊंगी। फिर मैंने सोचा यार केक तो रात को ही कटेगा, अभी तो कटेगा नहीं, तो रात को कटेगा तो कौन ही खाएगा, फिर मैं तो खाती नहीं हूँ रात को, मैं तो खाना रात को मैं खाना भी नहीं खाती हूँ, कभी कभार खा लेती हूँ। बाकी क्या कहते हैं, अभी आज पूरियाँ बनेंगी और ऐसे ही मनाते हैं फिर जन्मदिन, जब पतिदेव जी आएंगे ना फिर उसके बाद केक काटेंगे अन्नू के बर्थडे का, और उनके बर्थडे का भी साथ में काटेंगे। और मन तो था, पर अभी सिचुएशन ही ऐसी हो रखी है कि केक नहीं लेके आए। तो आज घर की सारी लाइट्स ऑन करिए ना, अनु कह रही है वाओ वाओ। अनु क्या जगाया मम्मा ने, क्या जगाया? वाओ, तो ये सारी लाइट्स ऑन है ना, तब खुश हो रही है। वाओ अच्छा लग रहा है। हाँ। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आज बर्थडे किसका है? पापा का। बाबू पापा को हैप्पी बर्थडे बोल दो। बाबू हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा बोलो। टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। वो ना पेस्टी खा लिया है बोल रही है, खा लिया। हाँ। पापा के लिए नहीं बचाया, अब पापा क्या खाएंगे? पापा, पापा गुस्सा करेंगे अब आपको, पापा के लिए नहीं बचाया ना। ओ, किसने खाया? मम्मी। चॉकलेट। चॉकलेट वो भी खा ली। हाँ। सारा खत्म कर दिया। परछों को आ रहे हैं पापा, रुको करो, वो उसके जैसा करो, अरे करो करो करो। कौन है बेटा? मम्मी। और पापा। और पापा। प्यारी कर पापा ना, पापा पापा।